गाइस कल हमारे गेम के अंदर आने वाला है OB38 का अपडेट, यानी जिस दिन पूरा दिन गेम बंद रहेगा। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट के बाद आने वाला गेम के अंदर टॉप 20 चेंजेस के बारे में बताएंगे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बताएंगे। हाँ, मुझे पता है कि भैया आप लोग में से बहुत लोगों को कुछ चेंजेस के बारे में पता होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ चेंजेस वगैरह है जो कि आप लोगों को अपडेट के बाद देखने को मिलेगा गेम के अंदर, वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि अभी आप लोगों को फाइनली एंड फाइनली ऑटो रिवाइव सोलो में आप लोगों को ऑटो रिवाइव यानी मरने के बाद आप लोग फिर से जिंदा हो सकते हो। भाई समझ रहे हो ना? अरे भाई ये तो बस शुरुआत है, आप लोगों को और भी बहुत सारे चेंजेस या फिर अपडेट के बारे में बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ऐसा एक अपडेट का वीडियो बनाने के लिए बहुत जगह से अपडेट वगैरह ढूंढना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब भी एक वीडियो बनता है। चेंजेस नंबर वन गाइस, आप लोगों को अपडेट के बाद बीआर में सोलो मोड के अंदर आप लोगों को ऑटो रिवाइव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइस जब ये एडवांस सर्वर आया था ना, तब ये काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हार्ट जैसे कुछ देखने को मिलेगा, ये धड़कता है। उसके बाद जो था ना यहाँ पर मतलब एडवांस सर्वर में मरने के बाद मतलब जो था ना इसका कोई वगैरह काम वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काम नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर एक वीडियो क्लिप निकल के आया है, और गाइस ये कोई फालतू कोई ऐसा बंदा एडिट वगैरह करके नहीं डाला, ये मतलब ऑफिशियल अकाउंट ने डाला है, मतलब फ्री फायर का ऑफिशियल अकाउंट ने डाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑटो रिपेयर का ऑप्शन भी है। भाई क्या मतलब गाइस, अपडेट के बाद अगर आप लोग सोलो मैच खेलते हो ना, मान लो अगर आपको एक इनामी ने मार दिया और उसके 180 सेकंड के बाद आप लोग फिर से ऑटो रिपेयर यानी जिंदा हो सकते हो। भाई जिंदा तो नहीं, मतलब आपका जो कैरेक्टर होता है ना वो गेम के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। चेंजेस नंबर टू मूविंग सेफ जोन गाइस, इसके बारे में आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में भी बताया था। पहले क्या हुआ था, पहले आप लोगों को जोन ने भगाता था, लेकिन आप लोग जो थे ना आप लोग खुद जोन को दोहरा सकते हो यानी भगा सकते हो, समझ रहे हो ना। सीएस मैप के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जोन जो थे ना आपसे दूर भागेगा, समझ रहे हो ना। पहले आपको जोन ने भगाता था, लेकिन आप खुद जोन को भगा सकते हो सीएस मैप के अंदर, और बाकी मैप के अंदर ये काम नहीं करेगा। चेंजेस नंबर थ्री स्काइलर कैरेक्टर एबिलिटी सेंस गाइस, पहले क्या होता था, पहले स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने के बाद सिर्फ एक ही ग्लूएल फोड़ता था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मतलब स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने के बाद कुछ पॉइजन जैसे निकल के जाता है, और जितना भी ग्लूएल वगैरह होता है ना वहां से तीन चार ग्लूएल एक साथ फोड़ देता है। तो समझ रहे हो ना, ये भी एक थोड़ा ठीक ठाक होने वाला है या फिर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। आप लोगों को ये चेंजेस कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताना जरूर। चेंजेस नंबर फोर गाइस, आप लोगों को अपडेट के बाद फिर से बिग हेड मोड देखने को मिलेगा। इस मोड के बारे में बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है, बहुत लोग न्यू है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताता हूं कि भाई इस मोड के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है। आप लोग जितना किल करते जाओगे ना आपका जो हेड होता है ना वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा, और उसके बाद आप लोग फिर से यहाँ पर रिवाइव हो सकते हो। चेंजेस नंबर फाइव गाइस, ये कोई चेंजेस नहीं है, ये थोड़ा इवेंट अपडेट की तरह है। गाइस आप लोगों को मैं सुबह के वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि भैया आप लोगों को फिर से पिन डैमेज टू रिटर्न में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो टेलर भी निकल के आया है बाहर के सर्वर में, पिन डैमेज स्टोर आने वाला है फिर से, और यहाँ पर साथ ही साथ उसके साथ साथ एक न्यू इमोट भी देखने को मिलेगा। न्यू नहीं, ये बहुत दिन पहले आया था और अभी आने वाला है और इंडिया में भी आ सकता है। चेंजेस नंबर सिक्स, पहले क्या होता था, पहले अगर आप लोग कोई गाड़ी लेके जो होते ना कोई उसी जगह पे जाने वाला होता ना तो क्या होता, गाड़ी बहुत ही स्लोली चलता, लेकिन अभी आप लोगों को अपडेट के बाद जल्दी चलेगा। और गाइस पहले क्या होता था, पहले गाड़ी से धक्का मारने के बाद बहुत ज्यादा डैमेज वगैरह देता था, लेकिन अभी थोड़ा कम डैमेज देगा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चेंजेस नंबर सेवन गाइस, अभी लूट मिलना और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बीआर मैप के अंदर आप लोगों को कुछ रेड डॉट वगैरह देखने को मिलता होगा, ये आप लोग याद रखना, ये डॉट वगैरह, और ये डॉट वगैरह के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक घर जैसे कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को पूरा मैप में जितना लूट मिलता है ना सारा का सारा लूट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस मैप के मतलब इस घर के अंदर मिलेगा, लेकिन इसको ओपन करने के लिए आप लोगों को एक चाबी चाहिए। चाबी आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, आप लोगों को विंडिंग मशीन के अंदर मिलेगा या फिर कोई ऐसा जगह पर मिलेगा जहाँ पर बहुत ज्यादा लूट वगैरह मिलता है। उसके बाद आप लोग चाबी से वो घर ओपन करके पूरा मैप का लूट आप लोग एक ही जगह से ले सकते हो। चेंजेस नंबर चेंजेस आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, लेवल सिक्स तक पहुंचने पर आप आपके डायनामिक डुओ के साथ आपका खुद का कैरेक्टर का एबिलिटी शेयर कर सकते हो। समझ में नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। गाइस मान लो कि आपका एक कैरेक्टर लेवल सिक्स तक अनलॉक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका कैरेक्टर का जो एबिलिटी होता है ना वो आप अपना डायनामिक डुओ के साथ शेयर कर सकते हो, कैरेक्टर का एबिलिटी, समझ रहे हो ना, गेम खेलने के टाइम। तो देखो कल ये अपडेट आने वाला है, उसके बाद आप लोग खुद जाके चेक करके देखना, अगर आप लोगों को अभी तक यहाँ पर थोड़ा डाउट है तो। चेंजेस नंबर नाइन गाइस, ये चेंजेस बहुत लोगों को पता होगा कि भैया अपडेट के बाद आप लोगों को एक न्यू कैरेक्टर स्पेट देखने को मिलेगा। इसका एबिलिटी ये है कि भैया अगर आप लोग एक कैरेक्टर को लेके जो होता है ना खड़ा थोड़ी देर तक खड़ा रहते हो ना तो आपका ईपी जो होता है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, इस पैट का एबिलिटी ये है। चेंजेस नंबर टेन गाइस, ये भी एक इवेंट टाइप का है, आप लोगों को अपडेट के बाद जो न्यू इवोगन देखने को मिलेगा ना वो होने वाला है थॉमसन। हाँ आप लोगों को और दो इवोगन भी देखने को मिलेगा, एक तो G18 और एक है AC80, ये दो इवोगन आप लोगों को कब देखने को मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपडेट के बाद जो न्यू इवोगन देखने को मिलेगा ना वो थॉमसन आप लोगों को 100% पक्का देखने को मिलेगा अपडेट के बाद। चेंजेस नंबर 11 गाइस, ये चेंजेस बहुत लोगों को पता होगा कि भैया गेम के अंदर एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है। तो गाइस ये कैरेक्टर का काम ये है कि भैया आप लोग एक पुतला के जरिए आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से गाइस देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने के बाद इसका कूल डाउन टाइम खत्म
खत्म होने के पहले आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा और आप लोगों को जो जिस जगह पे जाना चाहते हो ना वहां पर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो कैरेक्टर का मतलब जो पुतला जो होता है ना वो गायब हो जाएगा और आप लोग जा नहीं पाओगे उस जगह पे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हो ना तो ही आप लोग जा पाओगे। सेंसेस नंबर 12 गाइस, ये सेंसेस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग कस्टम खेलते हैं ना, बहुत ज्यादा कस्टम खेलते हैं, या फिर जिन लोगों को ग्लूएल का बहुत ज्यादा जरूरत होता है यानी ग्लूएल से बहुत ज्यादा खेलते हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेंसेस, क्योंकि आप लोगों को गेम के अंदर अपडेट के बाद से टोटल 8 ग्लूएल मिलेगा, 8 आप लोगों को 8 ग्लूएल मिलेगा एक मैच के अंदर, आप लोगों को टोटल 8 ग्लूएल मिलेगा और ये आप लोगों को मिलता ही जाएगा, एक के बाद एक मिलता जाएगा, मतलब समझ लो 30 कितना सेकंड के बाद आप लोगों को मिलेगा, लेकिन टोटल 8 ग्लूएल मिलेगा एक मैच के अंदर। तो गाइस ये सेंसेस आप लोगों को कैसा लगा भाई, मुझे बहुत ही ओपी लगा, मतलब जिन लोग जो लोग कस्टम वगैरह खेलते हैं ना उन लोगों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है बहुत, मतलब आप लोगों को एक मैच के अंदर टोटल 7 या फिर 8 ग्लूएल मिलेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बॉक्स के जैसे आप लोगों को कुछ मिलेगा, उससे आप लोगों को 7-8 ग्लूएल वगैरह मिलेगा, समझ रहे हो ना। कल अपडेट आने वाला है, उसके बाद आप लोग इसको पूरा डिटेल्स में जान सकते हो गेम के अंदर जाके। सेंसेस नंबर 13 न्यू वेपन लीडर बोर्ड, गाइस इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में बताया था। तो क्या होगा, आप लोगों को अपडेट के बाद वेपन का भी लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि रैंक का हीरो ग्रैंड मास्टर वगैरह होता था ना ऐसे होगा। और गाइस ये जो लीडर बोर्ड होता है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेपन का स्कोर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गाइस जब आप लोग बुआ वगैरह करोगे ना, यहाँ पर आप लोगों को वेपन का भी स्कोर वगैरह होगा, जैसे कि रैंक में स्कोर वगैरह होता है ऐसे होगा। और गाइस ये जो स्कोर वगैरह होता है ना, ये आप लोगों को प्रोफाइल के हर जगह में शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब नाम के नीचे वगैरह भी शो करेगा। सेंसेस नंबर 14 न्यू आइटम इन बियर, गाइस ये जो लोग रैंक पुश करता है ना उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को जो लूट राडर होता है ना उससे आप लोगों को जो आइटम वगैरह मतलब गेम के अंदर जो चीज वगैरह पड़ा है ना वो आप लोगों को बहुत दूर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो जैम्बर होता है ना, इससे आप लोगों को क्या मिलेगा फायदा, मतलब जोन जो होता है ना वो आपके साइट लेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो फर्क, यहाँ पर जोन आपके साइट लेगा, समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रैंक पुश करने वालों के लिए। सेंसेस नंबर 15 गाइस, ये कोई सेंसेस नहीं है, ये एक इवेंट की तरह है, आप लोगों को अपडेट के बाद फ्री फायर ने डेविल मे क्रे के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत सारा आइटम वगैरह देखने को मिलेगा। कोलैबोरेशन के थीम के ऊपर आप लोगों को बहुत सारा बंडल्स, बहुत सारा कॉस्ट्यूम वगैरह देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक न्यू लुक सेंजर इमोट भी देखने को मिलेगा, जो कि डेविल मे क्रे सीजन 5 के थीम के ऊपर आने वाला है। सेंसेस नंबर 16 गाइस, अभी तक मैं आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह था ना वो मैं आप लोगों को बताया, और अभी मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज वाला इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में भी बताता हूं। गाइस हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, लेकिन चाइनीज लोगों के लिए 21 यानी 21 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, और इस न्यू ईयर की स्पेशल में आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिलेगा चाइनीज लोगों के लिए, लेकिन ये शायद आप लोगों को इंडिया बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। और इस इवेंट की थीम के ऊपर आप लोगों को बहुत सारा आइटम वगैरह देखने को मिलेगा, बहुत सारा बंडल्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो बंडल्स या फिर आइटम वगैरह है ना, ये तो ऐसे ही नहीं आएगा ना, ये आप लोगों को शायद इंडिया बांग्लादेश सर्वर में भी न्यू ईयर की स्पेशल में एक इवेंट आने वाला है, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि शायद 13 या फिर 14 जनवरी से एक न्यू ईयर का इवेंट आने वाला है, जो कि पार्टनर प्रोग्राम वालों को बताया था गिरिना ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारा का सारा आइटम आप लोगों को न्यू ईयर की स्पेशल में देखने को मिलेगा। मतलब गाइस न्यू ईयर का इवेंट तो आ चुका है, विंटर इवेंट जो है ना वो तो आ चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को न्यू ईयर का इवेंट देखने को मिलेगा चाइनीज स्टाइल में, समझ रहे हो ना भाई, क्या ही चेंजेस है। जो भी हो गाइस इस इवेंट का अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आइटम या फिर ये जो बंडल्स वगैरह होता है ना ये आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, गिरिना ने अगर डिजाइन किया है ना तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। सेंसेस नंबर 17 गाइस, हमारे गेम के अंदर पहले सिर्फ एक ही बनी बंडल था, लेकिन आप लोगों को अपडेट के बाद और एक न्यू बनी बंडल देखने को मिलेगा, और ये शायद व्हाइट 444 के साथ कोलैबोरेशन करके आने वाला है। जो भी हो, जो लोग गेम प्ले देखते हैं ना उन लोगों को पता होगा व्हाइट 444 के बारे में, और गाइस ये बनी बंडल आने वाला है। सेंसेस नंबर 18 गाइस, आप लोगों को अपडेट के बाद जो व्हाइट टी शर्ट होता है ना वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले तो ब्लैक टी शर्ट आया था, और साथ ही साथ यहाँ पर और एक न्यू ब्लैक टी शर्ट भी देखने को मिलेगा, और ये सारा का सारा आइटम आप लोगों को ट्रेन सेक्शन के अंदर आप लोगों को एक न्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, उस जगह पे जाके ऐड होगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो लोगो आइकन वगैरह होता है ना ट्रेन का, वो आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। सेंसेस नंबर 19 गाइस, आप लोगों को अपडेट के बाद बहुत सारे गन स्किन वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ से कुछ गन स्किन आप लोगों को वेपन रॉयल के अंदर, जहाँ से कुछ गन स्किन आप लोगों को फ्री में मिलेगा, और बहुत सारे बंडल्स वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ से कुछ बंडल्स आप लोगों को डायमंड रॉयल, गोल्ड रॉयल और फ्री में मिलेगा, और कुछ ओएब इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, और बहुत सारे इमोट्स वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को वैलेंटाइन डे के स्पेशल में भी आप लोगों को इमोट वगैरह देखने को मिलेगा, और एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिलेगा। सेंसेस नंबर 20 गाइस, आप लोगों को अपडेट के बाद EVO MP5 रिटर्न में देखने को मिलेगा, और गाइस ये क्यों आने वाला है, मैं आप लोगों को बताया था ना कि भैया चाइनीज स्टाइल में एक न्यू इवेंट आने वाला है शायद न्यू ईयर का, और उसके थीम के ऊपर आने वाला है, और शायद एक इनक्यूबेटर भी आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेगा, इनक्यूबेटर का बंडल वगैरह जो कि आप लोग देख सकते हो, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह है जो कि आप लोगों को उस इवेंट के थीम के ऊपर देखने को मिलेगा। तो गाइस होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद है, गाइस ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो होप कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे, चैनल को
भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर इवेंट के बारे में एडवांस में जानना चाहते हो तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।